हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन सॉल्व किया था जब दोनों ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम ली गई थी. ओके, आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेट कांस्टेंट डेरिवेशन जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट ली गई हो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्या होता है नॉर्मली रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एक रिएक्शन में. ओके, अब मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और बी, राइट, और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है. अब क्या है कि टाइम जब जीरो है उस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन मान लो ए है और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी में आप रिप्रेजेंट करते हो. ओके, और टाइम जीरो पे प्रोडक्ट जो है वो जीरो है. टाइम टी होने के बाद जब प्रोडक्ट आपका एक्स बन जाता है, ओके, तो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में ए माइनस एक्स रह जाती है. ठीक है, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पे ए माइनस एक्स रह जाती है और बी की कंसंट्रेशन बी माइनस एक्स रह जाती है. ठीक है, अब देखो क्या होगा आगे. हमें यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेटेड रेट लॉ को यूज करना है, जैसे कि माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के. यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है हमारे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है हमारे ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स. ठीक है, ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, ये वन और वन इसकी पावर है, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू वन प्लस वन टू. तो हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. इसी में क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कॉन्स्टेंट आ जाएगा. ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स और ये बी माइनस एक्स, राइट. अब जो है कंसंट्रेशन की टर्म को एक तरफ ले आओ, ये करते हैं यहां पे माइनस डी एक्स बाय ये ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी. अब जो है यहां पे इसको मैं नंबर दे देती हूं, वन टू थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री, राइट. इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे इसका इंटीग्रेशन लेना है. जैसे कि पहले हमें पता ही है ये a माइनस एक्स कंसंट्रेशन b माइनस एक्स कंसंट्रेशन का इंटीग्रेट करना है हमें dx के रिस्पेक्ट में, ये वाला dx. ठीक है, और यहां पे कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आता है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है dt को. अब एक्चुअल में होता क्या है, ये इसको इंटीग्रेट करना 1 by a minus x और b minus x को इंटीग्रेट करना जो है x के रिस्पेक्ट में इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसलिए हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं इसके इंटीग्रेशन को के लिए, थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे हम मैथमेटिक्स का एक जो प्रोसेस है वो देखते हैं. क्या है वो, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. क्या है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. अभी साइड में देखते हैं, इधर हमें यहां पे करना था क्या, इंटीग्रेट किसको, 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स को x के रिस्पेक्ट में. तो इसके लिए जो है हम यहां पे लेंगे मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर ऑन इक्वेशन फोर यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. इसका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे. ठीक है, पर उसके लिए पहले क्या करना है वो देखते हैं साइड में. मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं बेसिकली, कि ये था हमारे पास 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स. सॉल्व करना है इसे मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके. तो ए जो है यहाँ पे हमने लिया है कॉन्स्टेंट ए के लिए, रिएक्टेंट ए के लिए, और ये मैंने लिख दिया ए माइनस एक्स. ठीक है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं है, समझ लेना मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है.
बी यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट लिया है हमने बी माइनस एक्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए, राइट। अब आगे हमें क्या करना है इसे सॉल्व करने के लिए, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये ले लिया हमने कॉमन, क्या लिया कॉमन, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। ए टू ए माइनस एक्स टू ए माइनस एक्स वन टाइम, और ये पीछे क्या बचा बी माइनस एक्स, तो ए बी माइनस एक्स यहाँ पे बी माइनस एक्स कैंसल वन टाइम, और पीछे क्या बचा ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व करो इसे आगे, यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, बराबर के दोनों साइड सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचता है वन, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर ए को यहाँ पे, तो ये आएगा ए बी, ठीक है। क्या किया हमने, ए को मल्टीप्लाई किया है बी से, अब सेकेंड टाइम वापस ए को मल्टीप्लाई करो एक्स से, तो माइनस साइन है तो माइनस आएगा ए एक्स, प्लस यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई किया है ए से तो बी ए, अगेन बी को मल्टीप्लाई किया है एक्स से तो माइनस है तो माइनस बी एक्स, ओके। अब यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट है दोनों टर्म, ये भी कांस्टेंट है, पर यहाँ पे इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड ले आओ, कांस्टेंट को एक साइड ले आओ, तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू, सॉरी नहीं इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बी ए लिख दिया, उसके बाद पीछे क्या है माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू वन, ओके। अब x कॉमन है तो कॉमन ले लो, माइनस लिख दो x, ठीक है, माइनस में कॉमन ले लिया, माइनस x यहां पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास b, ये प्लस b इज इक्वल टू वन बचा, ओके। अब देखो कि ये हमारा पूरा कॉन्स्टेंट टर्म था, तो उसे कह सकते हैं हम ये वन के बराबर है प्लस जीरो, ठीक है, तो ये मान लो कि किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, और जीरो कब पॉसिबल होगा, अगर मैं ए प्लस बी को किसके बराबर मान लू, जीरो के बराबर मान लू, तो एक्स इंटू जीरो किसके बराबर हो जाएगा, ओवरऑल जीरो के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ए बी प्लस बी ए तो मेरा वन के बराबर है, पर यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, जीरो के, क्यों, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, प्लस जीरो किस कब हो सकता है, जब मैं यहाँ पे ए प्लस बी को जीरो रखू, ठीक है, तो ये हमने रख दिया इस तरह से। अब आगे देखते हैं इसमें कि ये आगे इसे सॉल्व करेंगे, ए बी को उधर ले जाओ तो माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी आ जाएगा, ओके। अब देखो ए की जगह एक बार माइनस भी पुट करके देखो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ए को उधर ले जाओ तो ये बी आ जाएगा, क्लियर, दोनों सही है। क्या करना है, एक बार तो बी को उधर ले जाओ तो माइनस बी आ जाएगा, या फिर ए को उधर ले जाओ तो माइनस ए आ जाएगा, ओके। तो ये दोनों जो है वो पॉसिबल है। अब आपको फर्स्ट स्टेप में तो क्या करना है, ए को यहां पे पुट कर देना है माइनस बी के बराबर, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें ए को माइनस बी के बराबर रख दिया, और ये बी ए इज इक्वल टू वन, बी को यहां पे कॉमन ले लिया मैंने, और प्लस में क्या है ए है, तो प्लस में ए लिख दिया, माइनस में क्या रहेगा बी रहेगा, माइनस में बी लिख दिया, और ये हो गया मेरा वन के बराबर, ठीक है, ओके। अब बी इज इक्वल टू क्या है, वन बाय ए माइनस बी, क्या आया मेरे पास, बी इज इक्वल टू आया वन बाय ए माइनस बी, ओके। तो ये तो एक तो आ गए मेरे पास बी की वैल्यू, कॉन्स्टेंट जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसकी बी की वैल्यू। अब मुझे अगर ए की वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा कि मैं बी की जगह क्या पुट कर दू, माइनस ए पुट कर दू यहां पे, ठीक है। तो करके देखो फिर क्या होता है, ये ए बी माइनस ए ए इज इक्वल टू वन, ए कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया मेरा b माइनस ए इज इक्वल टू वन। पर अगर मुझे a माइनस बी लिखना हो इसे तो क्या करना होगा, ये माइनस को बाहर ले लू कॉमन में, तो माइनस ए
इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये अंदर प्लस और बी माइनस में हो जाएगा। क्या क्या है सिंपल, इतना तो समझ में आया होगा क्या? अगर मुझे बी माइनस ए को ए माइनस बी लिखना है तो मुझे बाहर माइनस करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। तो यहां पे आप देखेंगे कि माइनस ए इज इक्वल टू वन बाय ए माइनस बी हो गया, या फिर आप लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन बाय ए माइनस बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलता है, एक तो आपको ए की वैल्यू तो क्या मिल गई है, माइनस वन बाय ए माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या मिल गई है, वन बाय ए माइनस बी। ए की भी वैल्यू मैं यहां पे लिख देती हूँ एक साथ, ए माइनस बी, ये दोनों वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में हमने कॉन्स्टेंट लिया था, स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टेंट लिया था, यहां पे ए की वैल्यू पुट कर दो और यहां पे बी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ए की जगह क्या पुट करना है, माइनस 1 बाय ए माइनस बी, और क्या था, ए माइनस एक्स था, प्लस यहां पे b की जगह क्या लिखना है, a माइनस बी, और ये b माइनस एक्स। ठीक है, ये यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह, इसकी जगह क्या लिखा हमने, माइनस वन बाय ए माइनस बी, और इसकी जगह लिखा वन बाय ए माइनस बी। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन इसका पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए। राइट, अब जो है आपको सिंपली क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इधर इक्वेशन नंबर 4 में, इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, तो लिखते हैं फिर अभी यहां पे, देखो यहां पे हम लिखेंगे वन सेकेंड, राइट, माइनस, ऑलरेडी माइनस है बाहर, ये रहा माइनस, ये यहां पे लिखते हैं माइनस वन बाय ए माइनस बी, बी सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस एक्स। ओके, ए माइनस बी, ए माइनस एक्स, और प्लस वन बाय ए माइनस बी, बी माइनस एक्स, राइट, और ये लिखेंगे dx, इसे लिखेंगे dx। ओके, इसका क्या करना है, dx के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, और ये लिखेंगे dt, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे आप नोटिस करेंगे a बाय सॉरी 1 बाय a माइनस बी और 1 बाय a माइनस बी जो है क्या है, कॉमन है, तो यहां पे लिख लो बाहर a माइनस बी कॉमन, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है। ठीक है, अच्छा पहले तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले जाओ, इसको बाहर ही रखो एज इट इज। ओके, वन बाय a माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया dx के रेस्पेक्ट में, इसको कोष्ठक में डाल दो, प्लस वन बाय b माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया dx के रेस्पेक्ट में, और ये k dt 6। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हो इस तरह से, जैसे 1 बाय एक्स को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो यहां पे जो है आप किसके बराबर लिखते हो इसे, ln x, सॉरी हाँ ln x के बराबर लिखते हो, यानी कि कहने का मतलब है यहां पे कि आप इसे किसके बराबर लिखेंगे, ln x के बराबर लिखेंगे। जैसे कि डी एक्स बाय एक्स कभी भी लिखते हो ना, तो ये होता है डी एल एन एक्स के बराबर। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इसको इंटीग्रेट कर दो, तो चलो फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर लिखा जाएगा, एल एन एक्स के बराबर। तो यहां पे भी सेम है, ये देखो डी एक्स बाय एक्स की वैल्यू माने इसे, तो इसे डी एल एन एक्स लिख सकते हैं, और फिर उसे कैंसिल करोगे इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, तो आपको एल एन एक्स मिल जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, लिखो a माइनस बी
ओके, ये ln a माइनस एक्स और ये प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा, अच्छा माइनस तो अंदर ऑलरेडी था है ना, माइनस ऑलरेडी था कोष्टक के बाहर, ठीक है, ये माइनस इसके साथ था है ना, वन बाय ए माइनस एक्स के साथ माइनस था, तो ये माइनस इसके साथ यहाँ पे भी आएगा। ओके चलो, और इसी तरह से डी एक्स बाय बी माइनस एक्स करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको तो इंटीग्रेट करना आता ही है आपको, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। ओके नाउ नेक्स्ट, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक तरह से कहे कि अंदर वाले माइनस को बाहर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से, माइनस बी ये हो जाएगा, बाहर ले लिया माइनस को, माइनस माइनस प्लस, और अंदर क्या रह जाएगा, एल एन ए माइनस एक्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल एन बी माइनस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस करना आता है, इजी है, के टी प्लस सी इज इक्वल टू 8 नंबर इक्वेशन, राइट। क्या किया है हमने, सिंपली हमने यहां से ये माइनस मान लो बाहर ले गए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और अंदर के माइनस को बाहर ले जाएंगे, या फिर आप करो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये तो माइनस हो गया, ये यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एल एन ए बाय बी, वो क्या कहते हैं उसे, किस तरह से लिखा जाता है, एल एन ए माइनस एल एन बी के बराबर लिखा जाता है, ठीक है, तो यहां पर भी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एल एन ए माइनस एल एन बी की फॉर्म में लिखा है, तो उसे किस फॉर्म में लिखेंगे आप, ये एल एन ए बाय बी के फॉर्म में, तो 1 बाय ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, इतना यहां तक पहुंच गए। अब जो है आपको यहां पे कंडीशन लगानी है, कंडीशन क्या, कंडीशन कहती है कि अगर t इज इक्वल टू 0 हो तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट भी 0 बना हुआ होगा, तो इक्वेशन नंबर 9 में t और x की वैल्यू 0 रखने पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 में t और x की वैल्यू 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये देखो ln a माइनस 0 बाय बी माइनस 0, ओके, और ये k इंटू 0 प्लस सी, ये 10, इक्वेशन नंबर 10 हो क्या जाएगी, इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी 1 बाय a माइनस बी ln a बाय बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, 0 हो गया ये तो, c हो गया। ओके अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 11 से c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर, क्या इक्वेशन नंबर 11 से c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर क्या होगा, 1 बाय a माइनस बी ln a माइनस एक्स बाय b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू क्या आई, ये वाली वैल्यू सी की आई, ये यहां पे पुट कर देंगे हम कि ए माइनस बी एल एन ए बाय बी, ओके, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 12। अब आपको ये जो पूरा इक्वेशन का पार्ट है ये बराबर के उस साइड ले जाना है, तो जैसे ही बराबर के उस साइड ले जाते हैं ये हो जाएगा a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a माइनस बी एल एन ए बाय बी इज इक्वल टू के टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 अपना। ओके नाउ नेक्स्ट कि a 1 बाय a माइनस बी तो क्या हो जाएगा, कॉमन में आ जाएगा a माइनस बी, राइट, और पीछे क्या बचा, a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स माइनस ln a बाय ln सॉरी ln a बाय बी के टी, ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 14, राइट।
देखो ये भी क्या है ln a माइनस ln b। यहां पे जो मैं साइड में लिख देती हूं ये a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स को आप क्या मान लो a के बराबर मान लो और ये a बाय बी को आप क्या मान लो b के बराबर मान लो। तो आप क्या कह सकते हो ln a माइनस ln b ही लिखा हुआ है तो इसे लिख कैसे सकते हो ln a बाय बी लिख सकते हो ठीक है तो ln a बाय बी लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे ln a माइनस एक्स जो कि a के बराबर है ये लिख दिया और a बाय बी जो कि b के बराबर है तो वो अपॉन में आएगा तो ये a बाय बी ठीक है। और इसे आप कंप्लीटली सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे ln a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स और ये रिवर्स हो जाएगा इस तरह से इनवर्स हो जाएगा b बाय a ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो इसको यहां पे आप इक्वेशन नंबर 14 को इस तरह से लिख सकते हो कि a माइनस बी वन बाय ए माइनस बी ln a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स बी बाय ए इज इक्वल टू के टी जो कि किसके बराबर है सॉरी 15 नंबर इक्वेशन है ये अपनी। निकालना क्या था आपको रेट कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे यहां से ये जो टाइम है इसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय टी ए माइनस बी 1 बाय टी ए माइनस बी ln a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स और ये b बाय ए। तो ये हो गया आपका क्या रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम ली गई हो। क्लियर। बस आगे जो है इसके लिए हाफ लाइफ हम कैलकुलेट करेंगे जब सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब डिफरेंट ली गई हो उस केस में ये है हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए हाफ लाइफ निकालेंगे जब डिफरेंट कंसंट्रेशन हो और साथ ही जो है ग्राफ देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल इसके। ओके चलो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।